मैं क्या कह रहा हूं, आपको प्यार बनना है, प्यार मांगना नहीं है. यू हैव टू बी लव. व्हाट इज लव? समबडी हु इज फिल्ड विद हैप्पीनेस, दैट इज लव, दैट इज द एसेंस ऑफ लव. और क्या है? मतलब जो सेंस ऑफ लोनलीनेस है हमारे अंदर से पूरी तरह से निकल जाए. अकेले में भी आपको उतना ही मजा आए जितना आपको किसी के साथ में आ रहा है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. अकेले होने से डर क्यों लगता है? इस लोनलीनेस से डर क्यों लगता है? क्योंकि जब आप अकेले होते हो, इतने सारे थॉट्स हमारे अंदर आ जाते हैं और ज्यादातर वो थॉट्स नेगेटिव होते हैं. यही प्रॉब्लम है. बट अगर आप अकेले में बैठे हो और अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं वो कमाल के, वो ऐसे हैं कि आपका नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट हो रहा है, मजा आ रहा है आपको, मतलब थॉट्स की वजह से अंदर ही अंदर हंसी आ रही है, तो क्या होगा? आपको खुद के साथ में मजा आएगा? अकेले होने का डर निकल गया. प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपके अपने अंदर ही है. दुनिया क्या कर रही है? बाहर चीजों को इकट्ठा कर रही है, बाहर लोगों के साथ में जुड़ रही है, सब कुछ बाहर कर रही है और सोच रही है कि हमको खुशी मिलने वाली है. वहां मिल ही नहीं सकती जी, इम्पॉसिबल. कोई भी पर्सन ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है. उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती है, बुराइयां भी होती है. तो बाहर आप किसी से भी जुड़ोगे तो वहां पर प्लस भी है, माइनस भी है. प्रॉब्लम क्या है? आपको माइनस नहीं चाहिए, सिर्फ प्लस चाहिए. वो बाहर हो नहीं सकता है. बट अंदर की दुनिया ऐसी है जहां पर आपका पूरा कंट्रोल है अपने ऊपर. अभी आप अंदर से इनकम्प्लीट फील करते हो और कंप्लीट होने के लिए किसी के साथ में जुड़ते हो. आपको यह समझ आ जाए कि मुझे कंप्लीट होना नहीं है किसी के साथ में. आई एम कंप्लीट. मुझे खुश होना नहीं है किसी के साथ में, मैं खुश ही हूं. तो अब ये औरों के साथ नहीं जुड़ रहा है. समझ पा रहे हो फर्क? पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ रही है. एक है आप अपनी खुशी के लिए किसी के साथ में जुड़ो, तो अब आपका कंट्रोल उसके हाथ में आ गया. एक है पूरी दुनिया आपके साथ में जुड़ गई है आ करके, आपके आसपास में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, ये सबको पता है कि खुशी का अड्डा है. अगर खुश होना है तो यहां पर जाओ, इस बंदे के साथ में जुड़े रहो. तो क्या होगा? कैसी होगी आपकी लाइफ? इसका मतलब समझते हो? पूरी दुनिया में लोगों को चाहिए क्या है? खुशी ही तो चाहिए. और क्या चाहिए? थोड़ा सा प्यार चाहिए. और क्या चाहिए बताओ? खुद को ऐसा बनाना है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इसके मैं आपको कुछ आइडियाज दे सकता हूं कि ऐसा कैसे होगा. नंबर वन, अपने अंदर की दुनिया में किसी भी चीज को इस दुनिया में इंपॉर्टेंस मत दो, उतनी ही दो जितनी है. मतलब लाइफ को लाइटली लेना शुरू करो. हम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कुछ अपने बिलीव्स बना लेते हैं और वहां पर जाकर के फंसे पड़े होते हैं. उन बिलीव्स की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने अंदर माइंड में ये पकड़ लिया कि वेजिटेरियन होना ठीक है, किसी और ने पकड़ लिया नॉन वेजिटेरियन होना ठीक है, तो इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी या प्यार मोहब्बत होगा? लड़ाई झगड़ा होगा. और आपने क्या पकड़ा अपने माइंड में? आपने कुछ भी नहीं पकड़ा. आपने कहा भाई तुझे नॉनवेज होना है नॉनवेज हो जा, वेज होना है वेज हो जा, जिसको खाना है खा ले, बस मुझे मत खाइयो. मुझे छोड़ दियो. सिंपल हो गया. देखो क्या हुआ, एक सीरियस प्रॉब्लम एक सेकेंड में खत्म हो गई. मतलब सीरियस से सीरियस टॉपिक भी जो दुनिया के लिए बड़े सीरियस हैं, सीरियस डिस्कशंस हैं, सीरियस लड़ाई झगड़े हैं, वो आपके लिए हंसी मजाक होना चाहिए. अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बाकी की बाहर की दुनिया से पूरा अलग है, लेकिन यही तरीका है अंदर की दुनिया को सॉर्ट आउट करने का, और कोई तरीका नहीं है. अब मुझसे पूछोगे फॉर एग्जाम्पल, अब किसी ऐसे बंदे से पूछोगे जो अंदर की दुनिया को समझता नहीं है, वो क्या करेगा? वो स्टैंड ले लेगा लाइफ में. स्टैंड लेने का मतलब क्या है? आपने पकड़ लिया एक अपने बिलीफ को, हाँ ये जो मेरा धर्म है यही सही है. अब क्या हुआ, आप बाकी सबके अगेंस्ट हो गए. आपको अगेंस्ट होने की जरूरत नहीं, हो गए. द मोमेंट यू टेक अ स्टैंड, आप पूरी दुनिया से कट गए. इफ यू हैव नॉट टेकन एनी स्टैंड, हाँ सब कुछ सही है सब कुछ गलत है, अब बोलो जी क्या करोगे? समझ गए ना, बंधना नहीं है लाइफ में कभी भी. ये बहुत ही एक डीप बात है अगर आप पकड़ पाओ इस बात को. तो ये बात समझ आ रही है हम कैसे पकड़ लेते हैं चीजों को? ऐसा ही होना चाहिए, ये ही होना चाहिए. ये नजर है हल्की सी देखने की. अगर आप थोड़ा सा नजर को अपनी चेंज कर दो, हल्की सी चेंज कर दो, तो वो जो सिचुएशन बहुत ज्यादा आपको सीरियस लग रही है अपनी लाइफ में, बहुत सीरियस, जिसकी वजह से आप देवदास बनने के मूड में हो, वो भी आपको कॉमेडी लगने लग जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी के साथ में ब्रेकअप हो गया और बहुत ज्यादा परेशान हो, ब्रेकअप हो गया, तो फिर अपने आप से बैठ करके पूछो अकेले में. अब मैं ये बता रहा हूं आपको, अकेले की दुनिया में जिसको आप लोनलीनेस बोलते हो, वहां पर आप क्या करते हो जिसकी वजह से उस लोनलीनेस से आपको डर लगता है
और क्या करना चाहिए जिससे कि आपको उसमें मजा आए। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रेकअप हो गया, आप अकेले में बैठे हो, एक ही आप बैठ करके रो रहे हो कि वो चली गई, अब मेरा क्या होगा, ये होगा, वो होगा, वट एवर इट इज, है ना, और अब मैं क्या करूँ, मेरा मूड बहुत खराब है, अबे यार, अपने दोस्त को फोन कर रहे हो, मैं बर्बाद हो गया यार, खत्म हो गया यार, कुछ नहीं बचा जिंदगी में यार, सारे फिलोसफर बन जाते हैं ब्रेकअप होते हैं, हाँ अरे सब बेकार है यार, कुछ नहीं पढ़ा इन सब चक्रों में यार, अबे तो पहले नहीं पता था क्यों पढ़ा इन चक्रों में। तो अब करना क्या चाहिए ऐसे में, आराम से बैठ करके लाइटली कैसे देखना है सिचुएशन को, यार जब मेरा अफेयर नहीं था तब मैं खुश था या दुखी था, बहुत खुश था, रिलेशनशिप में गया तो क्या हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ कुछ बुरा भी हुआ, बुरा ज्यादा होता है या अच्छा ज्यादा होता है, अच्छा ज्यादा, अगर आप अलग हुए तो इसका मतलब बुरा ज्यादा हो रहा था तभी अलग हुए। नहीं आई ये बात समझ में, आई या नहीं आई, अगर सब कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा होता तो अलग होते ही नहीं, तो अब मुझे खुश होना चाहिए दुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए और बल्कि बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि नाउ आई गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, क्योंकि एक बंदा जिसने कभी आम खाया ही नहीं, आम का एग्जांपल ठीक है, हाँ चल जाएगा, चल जाएगा, मतलब गलत सोच वाले लोगों के लिए नहीं चलेगा, बट अच्छे जो लोग हैं उनके लिए चल, नहीं गलत एग्जांपल है, कोई और एग्जांपल लेता हूँ, जिसने कभी हाँ चलो ये ठीक है, जो बंदा कभी किसी जगह पर गया ही ना हो, तारीफ बड़ी सुनी है कि स्विट्जरलैंड ऐसा है वैसा है ये है वो है, समझ गए ना, इमेजिनेशन बन जाती है, मूवीज में भी सब स्विट्जरलैंड देखा है ये देखा है, जो कभी गया ही ना हो तो उसके अंदर तो डिजायर रहेगा स्विट्जरलैंड जाने का, ये डिजायर क्या है, इसकी वजह से दुख होगा यार, बाकी सब चले गए मैं ही नहीं गया, बाकी सबका अफेयर हो गया मेरा ही नहीं हुआ, इसको ध्यान से समझ लेना, मैं कनेक्ट कर रहा हूं, मतलब स्विट्जरलैंड जाने का डिजायर था अंदर से कहीं ना कहीं, हाँ तो अगर वो डिजायर रहता तो मजा नहीं आता लाइफ में, अब क्या हुआ, आपने स्विट्जरलैंड जाकर के देख लिया कि वहां पर कुछ नहीं पड़ा और अब आप वापस अपने घर पे आ गए, तो अब आप ज्यादा पीसफुल हुए या पहले ज्यादा पीसफुल थे, अब तो ज्यादा होना चाहिए, चाहे एक्सपीरियंस कैसा भी रहा स्विट्जरलैंड में, बढ़िया रहा बेकार रहा वो एक अलग टॉपिक है, वहां पर आप गए थे कुछ अच्छा सोच करके, लेकिन जा करके देखा यहाँ पे कुछ खास नहीं है, शिमला भी ऐसा ही है, मसूरी भी ऐसे ही है, तो अगर आदमी ऐसे सोचने लग जाए, आदमी औरत दोनों, तो कमाल का कुछ हो सकता है माइंड के अंदर, फिर बड़ा मजा आता है लाइफ में, आप किसी भी सीरियस से सीरियस प्रॉब्लम को भी हंसी मजाक में उड़ा दोगे, बड़ा हल्के फुल्के तरीके से, आप क्या कर रहे हो, अननेसेसरी मेमोरीज को नहीं पकड़ रहे हो, अच्छा हो गया बच गया मैं इस रिलेशनशिप से, नहीं तो जिंदगी भर मुझे स्विट्जरलैंड में ही रहना पड़ता। अब मैं और जगह भी जा सकता हूँ, पूरी दुनिया घूम सकता हूँ, हाँ इतनी कंट्रीज है, वाई नॉट, फिर पूरा घूम करके, पूरी दुनिया घूम करके फिर फाइनली डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ सेटल होना है, क्या पता फाइनली मैं ये डिसीजन लूँ शिमला ही बढ़िया है, मतलब किसी के साथ में जाना ही नहीं है, वाई नॉट, किसी से जुड़ना ही नहीं है, शादी करनी ही नहीं है, जबरदस्ती करनी है क्या, क्यों करनी है, किसी किताब में लिखा है, इट्स नॉट मैंडेटरी, हो सकता है वाई नॉट, बट ये भी हो सकता है कि हाँ कहीं पर कुछ ऐसा आपको मिले, कोई ऐसी जगह मिले आपको, यार ये तो शिमला से बहुत बेटर है, ठीक है रहो, ठीक है जी, समझ आ रहा है ना, यहां तक तो पकड़ में आ गई बात। अब मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन बोलूंगा सच, वो आप मेरी आंखों में देख सकते, झूठ नहीं बोल रहा, बस उसको अपने अंदर जाने देना, यू आर द वेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर दिस बॉडी, फॉर ऑल द बॉडीज इन दिस क्रिएशन। नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, सुनते रहो, आपकी तारीफ ही हो रही है, बुराई नहीं हो रही है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है आप लोगों की, मैं बताता हूं आपको, अगर तू तो डंब है तो गुस्सा आता है ना, इसका मतलब क्या है, अगर आपकी कोई बुराई करता है यानी कि आपको नीचे गिराता है तब तो आप बड़ी जल्दी मान लेते हो और रिएक्ट कर जाते हो, लेकिन अगर कोई आपकी तारीफ करता है, छोटी मोटी तारीफ नहीं, कोई बड़ी तारीफ करता है, तो बोल दो नहीं नहीं मैं कहूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको कहूंगा कि यार आप तो बड़े गए गुजरे आदमी हो, आपको तो नर्क मिलेगा, मान जाओगे, है मुझे नर्क मिलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, जरूर इस बंदे को कुछ पता होगा, इसके पास में कुछ ऐसी पावर्स हैं जो मुझे पता नहीं है, जरूर इसको पता होगा, ये कुछ देख रहा है जो मुझे नहीं पता है, कौन से मेरे कर्म है, मुझे क्या करना पड़ेगा, किस गाय भैंस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे, मुझे नर्क नहीं चाहिए। अच्छा नर्क में क्या होता है मैं बता दूंगा, ये होता है देखो यही है बस, तेरी औकात ही यही है, दो कौड़ी के इंसान, आप मान जाओगे और मेरे हिसाब से चलने लग जाओगे, अगर मैं आपको बोलता हूं सच, गारंटेड नहीं मानोगे, मुझे पता है कोई नहीं मानेगा, वो क्या है कि आप भगवान हो, ये बात हजम होगी। नहीं मैं भगवान कैसे,
मैं तो गलतियों का पुतला हूं, मैं तो गलतियों की पुतली हूं, मैं तो गई गुजरी हूं, मैंने तो इतने बुरे बुरे काम करे, मैं भगवान कैसे हो सकती हूं, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं, यही सब आएगा माइंड में। ये सच है, चाहे आप इस बात को जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, यू आर द इंफिनिट, यू आर द इंफिनिट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आपको खुश होने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, आप खुश हो, आप खुशी का सोर्स हो, यू आर हैप्पीनेस। जब भी आप दुखी होते हो तो आप अपने आप को कुछ और समझ लेते हो और फिर दुखी होते हो, समझ में कमी है, हो कुछ और समझ कुछ और रखा है। जैसे हो ये बॉडी लेकिन अपने आप को शर्ट समझ लो, अभी शर्ट के ऊपर किसी ने इंक फेंकी तो आप दुखी हो जाओगे, शर्ट फटी तो आप दुखी हो जाओगे, शर्ट के बारे में कोई अच्छा बोलेगा तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन आपको यह समझ आए मैं शर्ट नहीं हूं तो शर्ट फटती है फटे रहती है रहे, इसके बारे में कोई अच्छा बोलता है बोले, बुरा बोलता है बोले, आई एम नॉट द शर्ट, शर्ट की बात हो रही है, मेरी बात नहीं हो रही है, दोनों में फर्क समझ आ रहा है। जो आप एक्चुअल में हो अगर वो आप समझ जाओ, जो समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उसके लिए आप मेरा एक और चैनल है संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअलिटी के नाम से, वहां पर जा सकते हो, डीपली चीजों को समझ सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूं परमानेंट सॉल्यूशन का। एक है टेम्पररी सॉल्यूशन, आपका मूड अच्छा नहीं है, मूड अच्छा कैसे होगा, मेरे सेशंस देखो मूड अच्छा हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, कुछ देर बाद फिर मूड खराब हो जाएगा। ये है टेम्पररी सॉल्यूशन, ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई इंसान बीमार है तो उसको गोली देनी ही पड़ेगी ना, तो ये गोली के जैसा है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, आपको समझ आ जाए मैं हूं कौन, देन आपके अंदर एक ग्रैंडनेस आ जाएगी, देन आप छोटी मोटी बातें करोगे ही नहीं, छोटी मोटी बातों का आपके ऊपर असर होगा ही नहीं। ये जो सेंस ऑफ लोनलीनेस है आपके अंदर, इसको अगर जड़ से पूरी तरह से उखाड़ देना है तो वो क्या है कि आप अकेले में भी अकेले नहीं हो, अकेले में आप खुद के साथ हो, और आप क्या हो, यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस क्रिएशन, यू आर दिस क्रिएशन, यू आर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन यू। ये बात नहीं समझ आ रही ना, आप इस यूनिवर्स में नहीं हो, इस यूनिवर्स में एक छोटा सा डॉट नहीं हो, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आप में है। बट ये देखने के लिए एक सिंपल एक नजर चाहिए। पहले जो हमारे दिमाग में जो अनलिमिटेड थॉट्स चल रहे हैं ना, वो चलने कुछ देर के लिए बंद हो, हम टिक करके एक जगह पर बैठे और फिर देखें रियलिटी क्या है।